रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी। रमज़ान की तैयारी हो चुकी है, रमज़ान की बहुत सी रेसिपीज़ भी सामने आ चुकी हैं, तो अब मैं आपके लिए बना रही हूँ ईद की एक स्पेशल डिश, एक स्पेशल मीठा जो आप अपने आने वाले मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चले चलते हैं इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। सबसे पहले जो मुझे चीज़ चाहिए होगी उसमें है बटर। बटर है 100 ग्राम। ब्राउन शुगर मैंने ले ली है 140 ग्राम। एक लिया है मैंने अंडा। साल्ट है 1 पिंच। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। वाइट फ्लोर यानी कि मैदा है मेरे पास 150 ग्राम। इसके अलावा कोकोनट डेसिकेटेड है मेरे पास 75 ग्राम। इसको आप कोकोनट पाउडर भी कह सकते हैं या ग्रेटेड कोकोनट भी कह सकते हैं। और अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आपको इजीली ये अवेलेबल होगा। और इसके अलावा मैंने लिए हैं चॉकलेट चिप। इसमें वाइट और ब्लैक चॉकलेट चिप को मैंने आपस में मिक्स कर लिया है। ये है टोटल 75 ग्राम। इनको हाफ हाफ कर लीजिएगा तो टोटल 75 ग्राम आप लेंगे इसको। और वनीला एसेंस मुझे चाहिए है 2 to 3 ड्रॉप्स। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो चले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, मैं आपका सस्पेंस दूर कर दूँ। इस डिश का नाम है बटर स्कॉच स्क्वेयर। तो चले अब हम अज्जा को करते हैं मिक्स। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मैदा। ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लिया है मैंने। इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट करते हैं। ये जो हमारी रेसिपी है ये बेक होगी तो उसके लिए मैं अलग से बाउल लूँगी स्क्वेयर का। जैसे कि इसका नाम ही बटर स्कॉच स्क्वेयर है तो मैं इसके लिए स्क्वेयर बाउल लूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल इसको मिक्स करना है तो मैंने इसके लिए मिक्सिंग बाउल अलग से ले लिया है। अब मैदा मैंने ले लिया है। इसमें मैं जो बेकिंग पाउडर है अभी से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी बटर। बटर इसमें मैं ऐड करूँगी। बटर को मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन में मेल्ट कर लिया है। आप चाहे तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें ओवन में इसको थोड़ा सा मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं। और मक्खन को हमने अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें जो ब्राउन शुगर है वो डाल लेते हैं और फिर एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स देख के मुझे इतना मज़ा आ रहा है। बनने के बाद तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी चीज़ तैयार होगी। इसकी क्रेविंग तो मुझे अभी से हो रही है। वन ऑफ माई फेवरेट डिश और इंशाल्लाह आइंदा आपकी भी। अब जो एग था हमारे पास मैंने उसको बीट कर लिया है ताकि इजली इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एग को भी और एक दफ़ा फिर हम सारे अज्जा को मिक्स कर लेते हैं, आपस में मिला देते हैं। अब मैं जो पिंच ऑफ सॉल्ट हमने दिया था वो ऐड कर देती हूँ और साथ में ही मैं कोकोनट डाल देती हूँ इसमें और एक दफ़ा फिर हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अलग अलग मिक्स करने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा अच्छे से एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डाल लेते हैं वनीला एसेंस, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स। इसकी जो स्मेल होती है, टेस्ट होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको बस आपने इतना ही डालना है और फिर डाल के इसको मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने, थोड़ा सा आप इसको ज़रा ज़ोर लगा के मिक्स करिएगा। अब सबसे लास्ट पे हमारे रह गए हैं चिप। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और एक दफ़ा इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें कैसे आपस में बिल्कुल मिक्स हैं। जी ये अब ये रेडी है बेक करने के लिए। इस तरह की इसकी शेप हो जाएगी। अब मैंने एक ले लिया है स्क्वायर बाउल। इसमें हम इस सारे अमेजे को डाल देंगे। और अच्छे से हम इसको एक जैसा कर देंगे ताकि
इवन, बिल्कुल इसको इवन ही करना है हमने। माइक्रोवेव ओवन में हम इसको 5 मिनट के लिए बेक करेंगे और इस पावर लेवल रखेंगे हम फुल, और ये बेक होने के बाद डबल हो जाएगा। चले हम इसको करते हैं बेक। इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने बर्तन इस्तेमाल करना है, बाउल इस्तेमाल करना है, वो माइक्रोवेव सेफ हो। अब हमने इसको माइक्रोवेव में रख लिया है और इसका मैं करती हूँ 5 मिनट, और पावर लेवल ऑलरेडी हमारा हाई पे है। इसके बाद ये देखिए, ये राइस होना शुरू हो गया है एहतियात के साथ, जैसे इतना गर्म नहीं है। एहतियात के साथ आपने इसको निकाल लेना है। अब ये ठंडा हो चुका हुआ है, अब हमने इसको काटने हैं स्क्वायर में। इसको इसके नाम के मुताबिक हम काटेंगे। मज़ेदार तैयार है हमारा बटर स्कॉच स्क्वेयर। इसको आप सर्व करें, किस कदर सॉफ्ट और किस तरह यमी। मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना, अपने प्यारों का, लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।